हेलो स्टूडेंट्स ओ टू आई एस अकेडमी में आपका स्वागत है मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आर्ट एंड कल्चर के जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर किए थे आज हम इसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप ओटो एसअमी की ऐप को डाउनलोड करके वहां से एचपीएन का कोर्स अगर अवेल करेंगे तो आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर करंट अफेयर्स का फोल्डर मिल जाएगा यहां पे आपको 28 फाइल्स ही दिखा रहा है क्योंकि यह बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है अदरवाइज ये जो फाइल्स हैं वो अपडेट हो चुकी हैं ठीक है तो यहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इन द सेम वे हमने आपके लिए एचपीएन का पावर पैक निकाला है इस पावर पैक के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग आपको सेक्शनल इसमें मिलेंगे। तो शुरू करते हम अपनी सबसे पहली न्यूज से रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं उन्होंने टेंपल के जो हैं, उसको वर्ल्ड हेरिटेज हरिटे, साइट की लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया है इससे पहले जो हैं, वो 2014 से लेके यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल थे इस लिस्ट के अंदर जो भी आर्किटेक्चर वगैरह या फिर कोई भी हेरिटेज अगर आ जाए तो एक साल तक स्पेशली इसको इस लिस्ट में रहना चाहिए उसके बाद ही वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नॉमिनेशन के लिए कंसीडर किया जाता है देन इज अगर मैं होयसाला टेम्पल्स की बात करूँ तो वो ट्वेल्थ और थर्टीन सेंचुरी के अराउंड बनाए गए थे यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अलग अलग जो टेम्पल्स हैं हम उसको कंसीडर करते हैं जो तीन टेम्पल्स हमने नॉमिनेशन के लिए भेजे हैं वो कौन कौन से हैं एक बेलूर वाला है एक हालीबीट वाला है और एक सोमनाथपुरा वाला है ये तीनों के तीनों टेम्पल्स ही कर्नाटका में लाइक करते हैं देन इज अगर मैं होयसाला आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ तो इसका एक अलग ही स्पेशल टाइप का आर्किटेक्चर है आपको पता ही होगा कि हमारे जो नॉर्थ में है अलग टाइप के टेम्पल्स बनते हैं जिसको हम नगाड़ा स्टाइल बोलते हैं इन द सेम वे हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पर एक अलग टाइप के टेम्पल्स बनते हैं जिसको हम द्रविड स्टाइल बोलते हैं लेकिन अगर मैं होयसाला आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ये विसारा स्टाइल है और जो भी वेसारा स्टाइल होता है वो नगर और द्रविड़ का एक तरह से हाइब्रिड होता है उसको हम विसारा स्टाइल कंसीडर कर लेते हैं देन इज इस टेंपल के अंदर तीन टेंपल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं सबसे पहला बेलूर वाला जो बेलूर वाला टेंपल है उसको हम चनकेशवा टेंपल भी कहते हैं चनकेशवा टेम्पल हो गया या फिर केशवा टेम्पल बोल दो इस, या फिर विजय नारायण टेम्पल भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये बना था ट्वेल्थ सेंचुरी के अराउंड में कहा पे बना था ये आपको पता होना चाहिए कर्नाटका का जो हासन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ

क्योंकि ये जो टेम्पल है वो विष्णु जी को डेडिकेटेड है तो यहां पर विष्णु के अलग अलग अवतार जो है आपको देखने को मिलेंगे ये जो टेंपल है कुछ और चीजें जो आपने याद रखनी है कि जो होयसाल है उसमें एक किंग था जिसका नाम है विष्णुवर्धन तो उन्होंने इस टेम्पल को कमीशन किया है आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे कौन से किंग थे देन इज ये कौन से रिवर के किनारे ये टेम्पल है दैट इज यागची रिवर जो यागची रिवर है वो हेमवती की रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और आपको पता ही होगा कि जो हेमवती रिवर है वो एक कावेरी जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि जो होयसाल एम्पायर है उनकी जो बेसिकली कैपिटल थी वो बेलूर ही थी जिसको हम वेलापुरा भी कह देते हैं अलग अलग नाम से हम इसको डिनोट करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं हालेबीड वाला जो टेंपल है, उसको हम बोल रहे हैं हो सालेश्वर टेंपल इसके बारे में आपने कुछ और चीज़ें जो याद रखनी है वो 1121 सौ सीई के टाइम इसको बिल्ड किया गया था यहाँ पर जो राजा है वो सेम है दैट इज किंग uh, विष्णुवर्धन होसाल एम्पायर के ठीक है देन इज ये जो टेम्पल है वो शिवा को डेडिकेटेड है आपने याद रखना है जो पहले वाला चनकेश्वर टेम्पल है वो विष्णु जी को डेडिकेटेड है और जो हो सालेश्वर टेम्पल है वो शिव शिव जी को डेडिकेटेड है और इन द सेम वे इस टेम्पल के ऊपर भी अलग अलग आर्किटेक्चर्स वगैरह बनाए गए हैं जिसको हम इस नॉमिनेशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं ऐसा माना जाता है कि वहां पे जितने भी मर्चेंट्स वगैरह थे वेल्दी वगैरह थे उन्होंने इस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वगैरह किए थे। हम बात करते हैं जो तीसरा है, है। ये के के अंदर है। इस के बारे में आपने जो कुछ चीजें याद रखनी है कि ये किसको डेडिकेटेड है तो ये जो केशव टेम्पल है वो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है यहां पर जनार्दन केशव एंड इज वेणुगोपाल अनफॉर्चुनेटली इस टेम्पल के अंदर एक आइडल मिसिंग है जिसको हम केशव आइडल बोल रहे हैं और बाकी के जो आइडल्स हैं बाकी की जो मूर्तियां हैं वो थोड़ी सी डैमेज और डिस्ट्रॉयड हैं ये कुछ चीजें आपने केशव टेम्पल के बारे में याद रखनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनका कोई ना कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है तो उन साइट्स को यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है यहाँ पर तीन कैटेगरीज बनती हैं वो तीन कैटेगरीज कौन कौन है एक कल्चरल कैटेगरी है देन इज अ नेचुरल कैटेगरी और एक मिक्स्ड कैटेगरी है तो हमारे इंडिया के अंदर टोटल जो साइट्स हैं वो है 40 40 साइट्स हमारी वर्ल्ड हेरिटेज uh, की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं उसमें से जो 32 साइट्स हैं उसको उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस है देन इज अ सात साइट नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड साइट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर मिक्स्ड साइट कौन सी है असम वाले रीजन में ये लाइक कर दिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको देन इज यूनेस्को ने एक ट्रीटी की थी इंटरनेशनल ट्रीटी की थी जिसके तहत उन्होंने बोला कि हम इन सारी साइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे अगर मैं यूनेस्को के बारे में बात करूँ तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि नाइनटीन के अंदर बनी थी और इसका जो हेडकोर्टर्स है वो पैरिस फ्रांस के अंदर है ये कुछ चीज़ें आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में याद रखनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं चार मीनार के बारे में तो रिसेंटली न्यूज में इसीलिए था क्योंकि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस चार मीनार के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रहा है इसको और अच्छा बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइटिंग वगैरह का एक तरह से इंतजाम कर रहा है है ना अलग अलग चीजें कर रहा है अगर मैं चार मीनार की बात करूं तो यहां पर आप चार ऐसे मीनार्ज देख सकते हो ठीक है इसीलिए इसका नाम चार मीनार है ये जो चार मीनार है कहाँ पर लोकेटेड है आपने ये याद रखना है कि हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है कौन से किंग ने बनाया है तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो फिफ्टीन के टाइम पे थे आपको पता होगा कि हमारा जो ये मिडल हैदराबाद वाला रीजन है वहां पर अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया है उनमें से एक डायनेस्टी है कुतुबशाही डायनेस्टी इस कुतुबशाही डायनेस्टी के जो पांचवे किंग है जिनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन्होंने इस चार मीनार को हैदराबाद के अंदर बनवाया था ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जैसे कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मदरसा बना हुआ है मदरसा आई होप आपको पता होगा जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है इन द सेम वे इसका जो सेकंड फ्लोर है वहां पर एक मॉस्क बनाया यहाँ पर जो भी लोग हैं मुस्लिम पीपल है यहाँ पर भगवान को प्रे करते हैं तो ये कुछ चीजें आपने चार मीनार के बारे में याद रखनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अतुकल पोंगल फेस्टिवल जो है वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो केरला वाले रीजन में मनाया जाता है इस फेस्टिवल के अंदर जो केरला वाली रीजन की जो अलग अलग वेमेन हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होती हैं और यहाँ पर एक रीति रिवाज टाइप्स का कुछ करती हैं इसके अंदर चूल्हा जलाते हैं वो और यहाँ पर चावलों को उबालते हैं जिसको हम पोंगल भी कहते हैं और फिर यहाँ पे इन्होंने जो भी यहाँ पे डिशेस वगैरह बनाई होती हैं वो एक गॉडेस जो है उनको ऑफर करते हैं इन गॉडेस का नाम है गॉडेस भगवती ऐसा माना जाता है कि जो गॉडेस भगवती है वो कन्नकी का इनकारनेशन है एक तरह से जो कन्नकी है उनका अवतार है अगर मैं कन्नकी के बारे में बात करूं तो इनके बारे में कोवलन और कन्नकी के बारे में एक बुक में लिखा गया था जिसका नाम है सिल्पादी करम तो ये जो सिल्पादी करम है ये एक तमिल एपिक है जो कि इलांगो ने लिखी है ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है देन इज इस फेस्टिवल के बारे में कुछ और चीजें जो आपने याद रखनी है कि ये जो फेस्टिवल है दस दिन के लिए होता है इसका जो नौवा दिन है उसी दिन हम अतुकल पोंगल महोत्सव को मनाते हैं इसमें जो भी डिशेज वगैरह बनाई जाती हैं वो एक टेंपल के अंदर गॉडेस को ऑफर की जाती हैं। वो कौन सा टेंपल है आपने याद रखना है अतुकल भगवती टेंपल जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में लाई करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन द्वादशी के बारे में तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से रीजन में मनाया जाता है तो ओडिशा के पुरी वाले रीजन में इसको मनाया जाता है देन इज इस फेस्टिवल का क्या सिग्निफिकेंस है तो हमारे बेसिकली uh, ओडिशा वाले रीजन में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि आपको पता ही होगा कि वो कृष्ण जी हैं उनकी जो मदर है यशोदा तो यहाँ पर यशोदा जी ने ये देखा कि उनके जो कृष्ण जी हैं उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो डेमन्स को फाइट करने में यूज़ हो रही हैं उसकी वजह से उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा एक तरह से कमजोर पड़ रही है तो इसी चीज को ओवर कर ओवरकम करने के लिए जो यशोदा जी हैं उन्होंने कृष्ण जी के लिए बहुत अलग अलग टाइप के व्यंजन वगैरह बनाए थे ताकि उनकी जो हेल्थ है वो एक तरह से ठीक रहे अगर मैं व्यंजन द्वादशी की बात करूं तो यहाँ पर द्वादशी वर्ड भी यूज हो रहा है दैट मीन्स ये जो फेस्टिवल है वो द्वादशी वाले दिन मनाया जाता है और इस दिन यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की डिशेज बनाई जाती है तो आप देख सकते हो सात सौ डिशेज जो हैं वो हम कृष्ण जी को ऑफर करते हैं तो किस दिन मनाया जाता है ये द्वादशी के दिन मनाया जाता है

द्वादशी के दिन इस फेस्टिवल को मनाया जाता है आई होप आपको यहां तक जो ये स्टोरी है इस फेस्टिवल की वो समझ में आई होगी नेक्स्ट हम 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 बात करते हैं पश्मीना 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 शॉल शॉल के बारे में तो पश्मीना जो है उसको हम, पश्मीना को सॉफ्ट गोल्ड भी कहते हैं ये यह यहाँ पे जो शॉल बनाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर वूल से बनाए जाते हैं और ये जो वूल है एक अलग ही गोट से मिलती है इस गोट को हम बोलते हैं चांगथंगी गोट जो कि लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है यहाँ पे जो गोट है इनकी जो वूल है वो एक तरह से अपनी वूल को शेड करते हैं उसकी एक तरह से स्किनी होती है ना फर होती है वो तो उस चीज़ को वो शेड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर बाकी की जो गोट्स होती हैं उनका जो वूल है उसको अलग से काटा जाता है उनको शेयर किया जाता है देन इज ये जो गोट है जब अपनी स्किन को शेड ऑफ करती है इस फर को शेड ऑफ़ करती है तो ये माना जाता है कि इसकी जो फाइबर है एक टाइम पे 80 से 170 ग्राम की जो वूल है ये देती है इस इस वूल से जो शॉल्स बनते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उनकी अलग ही वॉर्म्थ होती है लाइट वेट होती है तो अलग ही क्वालिटीज होती हैं इस शॉल की देन इज इस शॉल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड किया गया था क्योंकि ये उस टाइम का सबसे महंगा क्लॉथ नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलम्बम आर्ट के बारे में तो सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि तमिलनाडु वाले रीजन में जो बहुत सारे बच्चे हैं इस आर्ट को परफॉर्म कर रहे थे ये एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कौन से वाले रीजन में तमिलनाडु वाले रीजन में लेकिन अदरवाइज़ ये केरला वाले रीजन में भी बहुत ज़्यादा फेमस है देन इज़ इस आर्ट में जो सिलम्बल है तो यहाँ पर सिलम्बल का मतलब है साउंडस ऑफ हिल्स एंड नेचर तो एक तरह से हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिफेंस के लिए यहाँ पर अलग अलग साउंड्स का प्रोड्यूस करते थे तो इस आर्ट में ये सारी साउंड्स को यूज किया जाता है देन इस आर्ट के अंदर और अलग अलग चीजें परफॉर्म की जाती है तो ये चीज आप यहां से पढ़ सकते हो जैसे कि पंचिंग हो गया किकिंग हो गया नी स्ट्राइक्स हो गया एल्बो स्ट्राइक हो गया तो अलग अलग चीजें यहां पर परफॉर्म की जाती है आपने इस आर्ट के बारे में इतना याद रखना है कि कौन से रीजन में ये फेमस है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो बेसिकली डिफेंस पर्पसेस के लिए इस आर्ट को यूज किया जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं करकटम डांस के बारे में तो रिसेंटली ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि केरला का एक सभा है जिसको हम बोल रहे हैं केरला नत्तुकला केशम सभा तो इन्होंने ये बोला है कि करकटम डांस को आप एग्रीकल्चर का आर्ट फॉर्म क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। मतलब केरला वाले रीजन में बेसिकली ये मनाया जाता है और वहां पे इस डांस फॉर्म का जो सिग्निफिकेंस है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा है वो एग्रीकल्चर के लिए इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं मरियामन फेस्टिवल यहाँ पर जो मरियामन जी हैं वो एक रेन की बेसिकली बारिश की एक देवी हैं जिनको मनाने के लिए इस डांस फॉर्म को किया जाता है देन इज ऑफकोर्स जब रेन आएगी तभी तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा तो इनकी बात भी सही है कि इसको एक एग्रीकल्चर आर्ट में कंसिडर करना चाहिए बाकी अगर मैं कर्कटम डांस के बारे में बात करूँ तो ये अलग अलग पे परफॉर्म किया जाता है देन इज़ इस आर्ट की इस डांस की जो सबसे फेमस चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं वो एक स्वेइंग सा डांस परफॉर्म करती है और यहाँ पर जो इनकी टोकरी होती है उसके अंदर जैसे राइज हो गया या एक तरह से पानी हो गया तो वो पूरा भरने के बाद उसके ऊपर ये फूलों की लेयर्स सजाती हैं और इन फूलों की लेयर्स को इनको बैलेंस करना होता है डांस करते करते तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह से डांस फॉर्म है नेक्स्ट हम बात करते हैं खजुराव डांस फेस्टिवल के बारे में तो रिसेंटली जो फोर्टी एट्थ खजुराव डांस फेस्टिवल है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है किस किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है ये आपने याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस डांस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया है इस डांस फेस्टिवल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के जो डांस है वो परफॉर्म किए गए जैसे कि कथक हो गया भरतनाट्यम हो गया ओडिसी हो गया कुचिपुड़ी हो गया मणिपुरी हो गया अलग अलग टाइप के यहाँ पर डांस को परफॉर्म किया गया तो डांस को इसीलिए परफॉर्म किया गया ताकि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके कि हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है एक तरह से या फिर हमारा जो नेचुरल कल्चर है वो कितना ज़्यादा रिच है तो इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए इस डांस फेस्टिवल को मनाया गया देन इज ये जो डांस फेस्टिवल है आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव को मनाने के लिए भी इस डांस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया अगर मैं खाजुराव टेंपल्स के बारे में बात करूं तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे टेंपल्स आते हैं इसके अंदर हिंदू टेंपल्स भी हैं जैन टेंपल्स भी हैं और कहां पर लोकेटेड हैं तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारे लोकेटेड हैं नेक्स्ट इज जो खाजुराव ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं देन इज ये जो टेम्पल्स हैं वो नगर स्टाइल के टेम्पल हैं दैट मीन्स जो नॉर्थ वाले रीजन में अलग टाइप के मैंने आपको टेम्पल्स बताते थे ना कि नॉर्थ वाले रीजन में नगर स्टाइल मिलता है साउथ वाले रीजन में द्रविड़ स्टाइल मिलता है और उनके जो मिक्स स्टाइल होता है उसको हम विसारा स्टाइल बोलते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो खजुराव के टेम्पल्स हैं वो नगर स्टाइल के टेम्पल्स हैं और इस टेम्पल्स के ऊपर जो अलग अलग टेम्पल की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर अलग अलग स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए हैं तो यहाँ पे आपको इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे ये जो टेम्पल हैं कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे और और कौन से टाइम पे बनाए गए थे ये या आपने याद रखना है है तो जो चंडेल है, जो डायनेस्टी कि सेंचुरी के टाइम पे करती थी तो इस पे इन टेंपल्स को गया है। के अलावा इन टेंपल्स को और अलग अलग चीजों के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है जैसे कि आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एक्ट है जिसका नाम है एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स इस एक्ट के तहत भी इन टेम्पल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाकी और अलग अलग चीज़ों के अंडर इन सारे टेम्पल्स को प्रोटेक्ट किया गया है सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आई होप आपको यहाँ तक जितने भी आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं वो समझ में आए होंगे तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे